सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और अभी हम हैं जय हिंद चौराहे पर और यहाँ से हमको चलना है ठूठी बारी, तो साथ कंटिन्यू रहिएगा आप। तो ये जय हिंद चौराहा है और यहाँ से हम लोग लेफ्ट मुड़ेंगे ठूठी बारी के लिए। तो पीछे हमारे छोटा हाथी वो आवाज़ दे रहा है, इनको ज़्यादा जल्दी जाने दीजिए, पता नहीं कहाँ जाना है। तो चलते हैं ठूठी बारी। तो वहाँ से बढ़ते ही आपको यहाँ लोक निर्माण विभाग का देखिए बोर्ड पहले ही दिख जाएगा कि आप जा कहाँ रहे हैं। तो ऐसे ही है रास्ते में, तो आप तो ये नवीन मंडी कोई आ रही है देखिए, तो ये एक नवीन मंडी आई है करके मंडी स्थल। तो यहाँ एक मंडी भी होगी, मतलब हर शहर में एक अपनी मंडी होती है। तो ये नौतनवा महाराजगंज की सब्जी मंडी है और हम लोग को जाना है ठूठी बारी। तो यहाँ निचलौल का तो बोर्ड दिख रहा है लेकिन निचलौल नहीं जाना है, ठूठी बारी जाना है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। है तो रोड सिंगल, एकदम सिंगल लेने, लेकिन बहुत ही ज़्यादा शानदार बनी हुई है। और आपको बगल बगल यहाँ पे आम के बगीचे बहुत दिख रहे होंगे, अभी आगे भी पड़ेगा। मैं पहली बार नहीं जा रहा हूँ, बहुत दो तीन बार जा चुका हूँ। तो आपको ऐसे ही नज़ारे दिखाते हैं ठूठी बारी तक के। तो भाई एक ये ईटा भट्टा आया है, तो मुझे इससे कालीन भैया का याद आ गया। कालीन भैया का क्या है, ईटा भट्टा वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नीचे रहती है इसके आग और आपकी बॉडी भी नहीं मिलेगी। तो ये चेतावनी है उन लोगों के लिए जो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करो यार, मजाक है। तो आप इस रंगीला आदमी को देख रहे हैं, लिखा हुआ है पावर ब्रेक और साले के पास ब्रेक ही नहीं है, इतना गंदा चल रहा है ये। तो ऐसे ऐसे बस ड्राइवरों को सरकार को बैन करना चाहिए। तो ये कोई गांव की मार्केट आई है, तो इसमें आपको चाट पकौड़ी नमकीन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ये खा लिए तो आपकी तबीयत ख़राब होना तय है, तो इसको अवॉइड ही करिए, अच्छी जगह खाइए। लेकिन ये गाँव की मार्केट है, कुछ खास नहीं है। तो बहुत ही शानदार एक पुल आया है और आप देख सकते हैं कितना सही लग रहा है ये, कैसी कटान आए पूरी नहर में और पूरा ये एकदम पुल के बीचों बीच खड़े हैं। इस साइड भी देखिए, दोनों साइड जंगल और बीच में एकदम नहर, क्या गजब का नज़ारा है। ऐसा शहरों में कम देखने को मिलता है कि दोनों साइड पेड़ और बीच में ऐसी छांव और इतनी प्यारी रोड। तो भाई इससे ये मैसेज मिलता है कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, नहीं तो ख़त्म हो जाओगे। तो इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। रास्ते में एक चीज़ मुझे मजबूर कर दिया रुकने के लिए कि इस जंगल में भी आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल मिल जाएगा, तो कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले लोग माइग्रेट करते थे, दूर जाते थे पढ़ने, लेकिन अब यहीं पर आपको सब जगह मिल जाएगा स्कूल। गाँव में भी अच्छे अच्छे स्कूल खुल गए हैं। ये बरगदवा थाना आ गया है। अब बरगदवा थाने के बाद ठूठी बारी थोड़ा ही सा दूर रह जाता है। तो ठूठी बारी क्यों जा रहे हैं, कि कहीं मंदिर है वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। तो आपको भी दिखाते हैं, बड़ा ही उसकी बहुत पीछे बैक स्टोरी बहुत अच्छी है, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। उसका सेकेंड पार्ट में आपको दिखेगा, वो इसका सेकेंड पार्ट बनेगा इटहिया मंदिर का, तो उसमें दिखेगा। तो आप तो ठूठी बारी पहुंच चुके हैं और व्लॉग का एंड इससे अच्छा क्या होगा कि यहाँ पे एक नायाब चीज़ दिखी और आपको दिखाना बनता भी है। बजरंग बली की इतनी बड़ी मूर्ति आप देखे ही नहीं होंगे आप लोग। तो ये ठूठी बारी में है। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।